सभी अभिभावकों और भैया बहनों को मेरा नमस्कार। आज अपन अष्टमी का या कक्षा 8वीं का अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद क्यों चाहिए या हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन देखते हैं कि संसद होती क्या है, संसद कहाँ स्थित है, संसद बनती कैसे है, इसके बारे में अपन विचार विमर्श करते हैं। आपको नीचे एक चित्र दिख रहा है, ये जो चित्र दिख रहा है ये भारत की संसद है, ये भारत की संसद है। ये जो संसद है यह तीन रूपों में मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस संसद का जो प्रमुख होता है, सर्व प्रमुख होता है, वो राष्ट्रपति होता है। तो तीन रूपों में मिलकर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ये संसद का निर्माण होता है। तो अपन इस अध्याय में इसी संसद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस संसद में जो आम व्यक्ति होता है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। निर्वाचन पद्धति पर ही आधारित है संसद। ये जो भी व्यक्ति इस संसद का हिस्सा बनता है वह मनोनीत या निर्वाचित पद्धति के द्वारा बनता है, या तो मत के द्वारा जीता गया होता है या मनोनीत किया गया होता है। तो इसी अध्याय के बारे में अपन पढ़ेंगे, हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद की क्या आवश्यकता है, देखेंगे। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। लोकतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक जनता का तंत्र। सीधा सा सवाल बन रहा है कि लोकतांत्रिक क्या है, जनता का एक तंत्र है, जनता का एक तंत्र है लोकतांत्रिक, जनता का तंत्र यानी जनता का, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन, ये है लोकतंत्र। जो लोगों के द्वारा बनाया गया एक तंत्र ही है लोकतांत्रिक। व्यवस्था का हिस्सा है। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। अब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें अपन को मालूम है जो सरकार बनती है वह उसमें नागरिकों का महत्वपूर्ण रोल होता है, नागरिकों का महत्वपूर्ण रोल होता है या योगदान होता है। तो उसकी सहभागिता नागरिकों की और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने का कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो समित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। एक तो व्यक्तियों की सहभागिता और एक है सहमति और उसका विचार विमर्श। ये ऐसे तत्व हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो सवाल भी बनता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण कौन से तत्व करते हैं, तो नागरिकों की सहभागिता, नागरिकों की सहमति और उनका आपस में विचार विमर्श। ठीक है, इस बात की सबसे अच्छी अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है, क्योंकि संसद जो बनती है वह नागरिकों के द्वारा बनती है, भारतीय लोगों के द्वारा बनती है। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल होता है भारतीय लोगों, भारतीय व्यक्तियों का या नागरिकों का। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस तरह
इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करेगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी भी निर्णय में हिस्सा ले सकता है और सरकार पर किस प्रकार से अंकुश रखने में मदद करता है, उस प्रकार के पढ़ेंगे। इस आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। क्वेश्चन नंबर टू, सवाल नंबर दो कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है, तो संसद। इसका उत्तर क्या बनेगा? संसद बनेगा। क्वेश्चन नंबर तीन, संविधान का केंद्रीय तत्व कौन सा है, तो उसका भी उत्तर क्या बनेगा? संसद। ठीक है, आगे देखते हैं। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? अब फैसला तो आपको मालूम ही होगा, अपने घर में अपन देखते हैं कि घर में फैसला कौन लेता है? जो अपने घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है वह घर के सारे फैसले लेता है। तो इसी प्रकार अपने देश का फैसला लेने वाला कौन है? संसद। अपने देश में जो भी काम कराना है कौन कराएगी? संसद। ठीक है, तो अपने देश की जो महत्वपूर्ण जो दूरी है वह संसद है। तो संसद अपने देश को चलाने वाली क्रिया करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर चार कि भारत कब आजाद हुआ था, तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। आज़ादी अपने को बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है, इसके लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, वो भी संघर्ष बहुत लंबे लंबे संघर्ष करने पड़े, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चोरा चोरी कांड, बहुत सारे आंदोलन। ये आंदोलन किए तब जाके अपने को स्वतंत्रता मिली। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, यानी सभी जाति के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, चाहे वह उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, सभी ने इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों में से प्रेरित थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज है, वे स्वतंत्रता, समानता व निर्णय प्रक्रिया, कोई भी निर्णय लेना हो, हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। अभी औपनिवेशिक शासन क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन वह शासन होता है जिसमें किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश पर किया जाने वाला शासन। जैसे अंग्रेज लोग, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, भारत को एक औपनिवेशिक बना दिया था, वह भारत पर शासन कर रही थी या उसके ऊपर व्यापार कर रही थी, व्यापार की दृष्टि से उसके ऊपर शासन कर रही थी। तो भारत क्या था, एक औपनिवेशिक शासक था। किसका था? ब्रिटिश सरकार का था। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता, क्योंकि अपने को मालूम है कि 1947 से पहले अपने देश पर ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो उसके द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों पर कोई भी उसकी आलोचना नहीं कर सकता था। अगर कोई उसकी आलोचना करता तो उसके ऊपर जो व्यक्ति उसकी आलोचना करता तो उसको उसके ऊपर उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता, शायद उनको मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे।
आगे देखते हैं अपन। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली, यानी जो आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, चोरा छोरी कांड हुआ, दांडी यात्रा हुई, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ये सब आंदोलन ने क्या कर दी, एक व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति निष्ठा भर दी, यानी वह व्यक्ति राष्ट्र के प्रति करो या मरो की धारणा करने वाला बन गया। यानी खुलेआम अब वो क्या करने लगा, वह खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगा और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885, ध्यान देंगे थोड़ा, 1885, अट्ठारह सौ पचासी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका, यानी जो विधायिका बनेगी, जो विधि का शासन बनेगा, उसके अंदर व्यक्तियों के द्वारा भेजे गए निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, यानी मतदान मत के द्वारा भेजे गए व्यक्ति होने चाहिए उन्हें। और उन्होंने क्या चर्चा की, उन्होंने चर्चा की कि उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए, कि प्रतिवर्ष जो बजट होगा उसके ऊपर एक तो चर्चा करना कि बजट कैसा होना चाहिए, क्या ये बजट देश के पक्ष में है या नहीं है, ठीक है, क्या ये व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा कि नहीं करेगा, ये जी व्यक्ति की मांग मांग की पूर्ति करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके ऊपर एक तो चर्चा करने का और उस बजट के ऊपर प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 देखेंगे, 1909 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। तो सवाल भी अपना बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया, 1909 में, ठीक है। एक सवाल और भी बनता है अपना कि सर्वप्रथम निर्वाचन सदस्य ये ऐसा कहे कि निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, 1985 में प्राप्त हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखेंगे, हालांकि जो ब्रिटिश सरकार थी, हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। यानी ये ब्रिटिश सरकार को अलग अलग विधि के कानून क्यों बनाने पड़े, क्योंकि ब्रिटिश सरकार पर जो भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे उनका दबाव बढ़ते जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अलग अलग आंदोलन शुरू कर दिए थे। अब जब आंदोलन शुरू होते हैं तो किसी भी सरकार पर दबाव बढ़ता है, ठीक है, आगे देखेंगे। लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने निर्वाचन पद्धति को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन यहाँ पे सभी वयस्क, यानी 21 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति थे, पहले जमाने में जो ब्रिटिश शासन के समय में 21 वर्ष या इससे ऊपर वाले व्यक्ति को वयस्क माना जाता, तो 21 वर्ष से ऊपर वाले वयस्क को न तो वोट डालने का अधिकार था और न कोई विचार विमर्श या निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार था। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा, कि औपनिवेशिक, मैंने बताया कि औपनिवेशिक का मतलब क्या है, किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश के व्यापार के लिए किया जाने वाला शासन, ठीक है, के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष के तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्र भारत
स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। अपन को मालूम है अपन जब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते जब तक अपना देश स्वतंत्र नहीं है, और जैसे अपने देश को स्वतंत्रता मिल जाएगी अपन एक स्वतंत्र नागरिक बन जाएंगे। ठीक है,